अस्सलाम वालेकुम, सेहत के जाने पर एक बार फिर खुश आमदीद। मेहंदी के ऊपर आज मैं बात करूंगी, और मेहंदी एक नेचुरल हेयर डाई है। लोग इसको इसके साथ बालों को डाई करते हैं, या कुछ लोग जो हैं वो इसके साथ अपने बालों की नशोनुमा को, उसकी ग्रोथ को बेहतर करते हैं। लेकिन ये अपने फायदों के साथ साथ क्या क्या नुकसान रखता है हमारी स्किन को, कौन से मसाइल इसकी वजह से जिनका सामना करना पड़ता है, जो हमारे सर की खाल है उसमें एलर्जी के कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, और अगर हम मेहंदी को देर तक लगाते हैं, या ये कि मेहंदी के अंदर केमिकल्स हैं, या ये कि आपकी स्किन जो है वो ओवर सेंसिटिव है, तो इस सूरत में हमें कौन से रिएक्शन का सामना करना पड़ सकता है। आज की वीडियो में मैं इसके ऊपर बात करूंगी, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह की जो मेहंदी है वो साइड इफेक्ट से बिल्कुल पाक होती है, मुबर्रा होती है। सबसे पहला जो मेहंदी लगाने का जो रिएक्शन है वो एलर्जिक रिएक्शन होता है। किसी भी तरह की आपको सर के खाल में एलर्जी हो सकती है, हो सकता है कि आपको बारीक बारीक दाने निकल आए, हो सकता है कि आपको शदीद किस्म का ख़ारिश होने लग जाए, रेडनेस हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, सर की जो खाल है वो थोड़ी सी सूज जाए। और ये भी इसलिए होती है कि या तो लोग जो है वो केमिकल वाली मेहंदी ले लेते हैं, या फिर क्या है कि लोग जो हैं वो बहुत देर तक मेहंदी लगी, क्योंकि उनको रंग चाहिए होता है, तो बहुत देर तक 3-4 घंटे तक मेहंदी को लगा हुआ छोड़ देते हैं, बहुत देर से खुश्क होती है, और इसकी वजह से उनकी जो स्किन है वो एलर्जिक रिएक्शन दिखाना शुरू कर देती है। ख़ास तौर पे उन लोगों की स्किन जो कि ज़्यादा सेंसिटिव होती है, या ये कि उन लोगों की स्किन जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो प्रोफेशनल हेयर ड्रायर होते हैं वो इस्तेमाल किए हुए होते हैं, उनका रंग चूंकि मेहंदी की वजह से देर से आता है, उनको देर तक मेहंदी लगानी पड़ती है, इसलिए उनको बहुत शदीद किस्म के स्किन रिएक्शन का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी वजह से जो बाल हैं वो ना सिर्फ ये कि आपके बालों में ड्राइनेस हो सकती है, बल्कि आपके बालों की साख्त मुतासिर हो सकती है। आपको पता है कि मेहंदी के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारे बालों को कलर देता है। ये मॉलिक्यूल क्या करता है कि हमारे बालों के केराटिन के साथ चिपक कर ना सिर्फ एक के बालों के मॉइस्चर को ख़त्म करना शुरू कर देता है, बल्कि इनकी साख्त को, इनके टेक्स्चर को मुतासिर करता है। हो सकता है कि आपके बाल या तो बहुत बारीक हो जाएँ, या फिर बहुत मोटे और थिक हो जाएँ, और इस तरह से आपके बालों की जो नेचुरल मॉइस्चर है, जो उनका असल चमक है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए। ये क्यों होता है? इसकी भी सेम वही वजह है कि या तो ये कि जो मेहंदी है वो केमिकल वाली है, या फिर ये कि मेहंदी बहुत देर तक सर की खाल पर लगाई गई है। अच्छा, फिर क्या होता है कि चूंकि हर एक के बालों का टेक्स्चर मुख्तलिफ होता है, तो हर एक के बालों के ऊपर मेहंदी का रंग भी मुख्तलिफ आता है। एक ही सेम जगह की कंपनी मैं लगाऊंगी उसका रंग मुख्तलिफ होगा, पर्सन ए लगाएगा उसका रंग मुख्तलिफ होगा, पर्सन बी लगाएगा उसका रंग मुख्तलिफ होगा। और इसकी वजह क्या होती है? बालों का टेक्सचर। चूंकि सबका टेक्सचर डिफरेंट होता है, इसलिए हो सकता है कि अगर पहली दफा में रंग ना आए तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि वेरी नेक्स्ट डे दोबारा से मेहंदी को अप्लाई कर देते हैं। और करने की वजह से ना सिर्फ ये कि उनके बालों का जो नेचर, जो उसकी नमी होती है ना, वो खुश्क होना शुरू हो जाती है, वो कम होना शुरू हो जाती है, बल्कि उनके जो बारीक बाल है वो बिल्कुल तिनके की तरह होना शुरू हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम मेहंदी उतार लेते हैं तो भी मेहंदी के बहुत सारे जर्रात सर पे लगे रह जाते हैं, ठीक से बालों की सफाई नहीं हुई होती, जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा ख़ारिश, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग या रेडनेस दे सकते हैं। इसके लिए जो सबसे अच्छी मेहंदी है वो हर्बल मेहंदी होती है। ये वो मेहंदी होती है जो कि आप अपने सामने देख लेते हैं, या फिर आप ऐसी जगह से लें जिसके बारे में आपको मालूम है वो कि ये खुद पत्ते लेके उसका पाउडर बनाते हैं। जब तक आपको ये श्योरिटी ना हो कि मेहंदी के अंदर केमिकल कम से कम है, इसका इस्तेमाल कम करें। और अगर आपने बसूरत दीगर आपको ऐसी जगह से मेहंदी अवेलेबल नहीं है और आप मेहंदी लगाना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि मेहंदी के अंदर कुछ जड़ी बूटियां भी शामिल कर लें, ताकि इसका साइड इफेक्ट जो है ये कम से कम हो सके। मिसाल के तौर पे आप इसके अंदर रेठा, हरीरा और इस तरह के जो 2-3 जड़ी बूटियां हैं, जो कि आपके आमला, जो कि आपके बालों को डाई भी करती हैं, कलर भी देती हैं, इनको मेहंदी के अंदर शामिल करें, ताकि साइड इफेक्ट से बचा जा सके। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मदद मकसूद, साइनिंग ऑफ। सी।